जिला सोलन का द्वितीय जनमंच कार्यक्रम आज सोलन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत छावशा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डुमहर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के शिक्षा संसदीय मामले एवं विधि मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की। मुख्य अतिथि द्वारा जनमंच कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों के स्टॉल पर जाकर अधिकारियों से विचार विमर्श भी किया गया और सोलन जिला एवं कंडाघाट उपमंडल की विभिन्न समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। जनमंच कार्यक्रम में कुल 215 शिकायतें एवं मांगे निवारण के लिए प्रस्तुत की गई, जिसमें राजस्व से संबंधित 96 प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। इसके अतिरिक्त 22 इंतकाल भी किए गए, 3 हल्फिया बयान भी दर्ज किए गए। आज के जनमंच में आयुर्वेद विभाग द्वारा लगाए गए निशुल्क शिविर में 220 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा लगाए गए शिविर में 107 रोगियों की जाँच भी की गयी। पशुपालन विभाग के शिविर में 103 पशुपालकों का पंजीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त 41 पशुओं के विभिन्न परीक्षण किए गए तथा दूध के नमूने भी एकत्रित किए गए। शिक्षा संसदीय मामले एवं विधि मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम मात्र कार्यक्रम नहीं, अपितु जन की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 26 मई 2018 को शिमला से जनमंच कार्यक्रम आरंभ करने की घोषणा की थी। यह कार्यक्रम शीघ्र ही सामाजिक परिवर्तन का संवाहक बनकर उभरेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जनमंच का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब अधिकारी जन शिकायत निवारण को पूर्ण समर्पण की भावना के साथ पूर्ण करेगा। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनमंच की शिकायतों को 10 दिन में सुलझाया जाए। तो डिमांड्स हैं, डिमांड्स तो उचित समय पर होती हैं। बजट का पता करना है, बजट है या नहीं है, बजट का प्रावधान कैसे होगा, उसमें समय लगता है। लेकिन जो चीज़ें जो हैं ग्रीवेंसीज हैं वो 10 दिन में जो है वो उसका मालूम हो जाना चाहिए। 10 डेज बिफोर जनमंच इट इज़ कॉल्ड प्री जनमंच एंड आफ्टर 10 डेज ऑफ द जनमंच इट इज़ पोस्ट जनमंच। तो उसमें जो है इन दोनों के बीच में जो है वो ये सारी समस्याएं का समाधान होना चाहिए। ये जाए जो 22 वर्ष हिमाचली है तो उसको तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन इंस्ट्रक्शंस क्या है ये अफसरों को पता है। ये अफसरों को जो है वो कह दिया गया है कि भी आप अपनी इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली देखो और आज ही देखो और यहीं पर उसका निर्णय करके जो है उनको दो। अगर नहीं दे सकते तो निर्णय लिखो कि क्यों नहीं दे सकते। अगर जो है वो दिया जा सकता है तो उनको सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। जनमंच कार्यक्रम में अपना काम करवाने आई महिलाओं ने इस कार्यक्रम को सरकार का सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि जो काम पिछले कई महीनों से अधिकारी नहीं कर रहे थे वो आज कुछ ही देरी में हो गया। आज मैं अपना बोनाफाइड का काम करवाने आई थी, मेरा बोनाफाइड नहीं बन रहा था। तो पहले जब मैं आई तो सारे आनाकानी कर रहे थे, इधर उधर कह रहे बाद में बनाएंगे। बट जैसे ही मैं शिक्षा मंत्री जी के पास गई, उन्होंने हमारी बात को सुना, मतलब सारा सोल्यूशन निकाला, उसके बाद उन्हें भी बताया। तो अब थोड़ी देर बाद हमारी रिपोर्ट आ जाएगी उसके रिगार्डिंग। इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होने चाहिए, हर महीने लगने चाहिए, ताकि हम जैसे लोगों की आवाज़ आगे पहुंचे। यहाँ पर धुमेर गांव में यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है जनमंच से। फिर यहाँ पर मैंने भी अपनी समस्याएं रखी है, जो अप्लीकेशन मैंने एक अप्लीकेशन मैंने पुलिस चौकी के लिए दी है वाकना घाट के लिए, और दूसरी मैंने HRT बस के लिए दी गई है। जो मैंने रहा यहाँ पर डिमांड रखी है और यहाँ पर मुझे आश्वासन दिया गया कि आपकी समस्या का हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरीके के कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए। शिक्षा मंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत कई लड़कियों एवं नवजात बच्चियों को 10-10 हजार रुपए की FD भेंट कर सम्मानित भी किया। सोलन से अमरप्रीत पुंज। यू आर वॉचिंग न्यूज इंडिया लाइव TV। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।